हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीलमा वर्मा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक हेयर कलर का डेमो लेकर आया हूँ। वो है आप हेयर टचअप कह सकते हैं इसको। जब सामने सामने के बाल वाइट हो जाते हैं तो हम उसको कैसे कलर करें, किस तरीके से करें। मैंने इसमें लाइट ब्राउन कलर का यूज किया हुआ है। यह इस ब्रांड का है, लाइट ब्राउन है, और इसमें क्योंकि टचअप करना है तो इसमें मैंने 20 वॉल्यूम का ही यूज किया है। आप इसमें स्पष्ट लिखा है कि मैंने कितनी क्रीम ली हुई है, और ढक्कन की सहायता से जितनी क्रीम है उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए उतना डेवलपर मैंने लिया है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डेवलपर नहीं लेना है, और उससे क्या होता है फिर कलर सही नहीं आता है, क्योंकि टचअप के लिए कलर सही होना अच्छा है, ये ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि इसमें छोटा छोटा सेक्शन लेके जहाँ जहाँ के बाल हमारे वाइट होते हैं, टचअप का यही मतलब होता है कि जो जड़ से बाल आ जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, उनको टचअप करना। क्योंकि टचअप के लिए आप 20 वॉल्यूम का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि उतना बालों को नुकसान नहीं करता है, क्योंकि 30 और 40 वॉल्यूम थोड़ा सा नुकसान करता है, क्योंकि हमको जड़ में ही कई बार हमारे स्कैल्प में लग जाता है, इसलिए हमको 20 वॉल्यूम का ही इसमें यूज करना चाहिए। छोटे छोटे सेक्शन लेके आप देख सकते हैं कि मेरे बालों में छोटा छोटा, क्योंकि सामने के बाल बहुत जल्दी कलर भी हट जाता है और थोड़ा थोड़ा वाइट बाल है, तो इसके लिए मैं बहुत पूरे बालों में नहीं करती, सामने के पोर्शन में अपने बालों को टचअप करवा रही हूँ। आप कलर करके फिर इस तरीके का ब्रश लीजिए, और जो कंघी रहती है उसमें ऐड, आप उससे कंघी कर लीजिए तो जो छोटा मोटा होता है वहाँ पे भी कलर अच्छे तरीके से लग जाता है, इसलिए इस प्रकार की कॉम का यूज किया जाता है। बहुत ज़्यादा 10 मिनट भी नहीं लगते हैं बालों में ये टचअप करने के लिए, अगर आपको ज़्यादा सेक्शन में नहीं करना है तो। जो प्रोसीजर इस तरफ किया है सेम वो ही प्रोसीजर आपको दूसरे साइड में करना है। बस कोशिश ये रहे कि जो कलर है बहुत ज़्यादा स्किन पे ना लगे, क्योंकि मेरे बालों में सामने का बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा वाइट है, पर कई लोगों का बाल सामने माथे तक वाइट होता है तो वहाँ कलर लगाना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप इसमें कलर का वो आता है, एक क्लिंजर आता है जिसमें कि जो दाग लग जाते हैं तो उसको आप कॉटन की सहायता से उसको क्लीन कर सकते हैं, जिससे कि वो दाग नहीं बनता स्किन में। कई लोगों को देखते हूँ कि इस बहुत ज़्यादा कलर में पता चल जाता है कि बहुत ज़्यादा दाग लग जाता है, उसमें ब्लैक हो जाता है, तो इस चीज़ के लिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसका यूज कर सकते हैं। मैंने क्योंकि मेरे बालों में कलर है, और क्योंकि मैं इसलिए भी ये करती हूँ क्योंकि जो रूट में जो बाल आते हैं न्यू, तो वो थोड़ा सा ब्लैक टच में आ जाते हैं, और साइड का नीचे का हिस्सा थोड़ा सा गोल्डन है, तो इस चीज़ के लिए भी लाइट ब्राउन बहुत अच्छा कलर आता है। डार्क ब्राउन से क्या है कि जो बाल हैं वो और ब्लैक दिखने लगते हैं, तो जिन लोगों को टचअप करना रहता है और जो कलर किए रहते हैं उनके लिए लाइट ब्राउन बेस्ट है, क्योंकि डार्क ब्राउन उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके बहुत ज़्यादा ही वाइट बाल रहते हैं, तो ऐसे लोगों को डार्क ब्राउन का यूज करना चाहिए। मैंने एक दो वीडियो और डाले हैं जो सेल्फ टचअप के वीडियो हैं, वो घर में अपने कैसे टचअप करें। ये यही एक प्रोसीजर होता है जिससे कि कई बार ऐसा होता है कि पूरे बालों में टचअप देना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर जब आधे पोर्शन में देना है तो इतना टाइम नहीं लगता है। ये मेरा कंप्लीट होते आ गया है, तो आप घर पर आसानी से ये कर सकते हैं। और आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना, और क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सब्सक्राइबर की, तो प्लीज़ आप वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जो भी इस वीडियो को देखेगा जो न्यू होंगे मेरे इसको 30 मिनट रखेंगे अपने बालों की क्वालिटी के हिसाब से,
कुछ लोगों के बालों में ये 20 मिनट में भी कलर आ जाता है, और जिसके बहुत ज़्यादा वाइट बाल हैं तो कम से कम 30 मिनट तो इसको अपने बालों पर रखें। फिर इसको 30 मिनट के बाद आप सादे पानी से अपने बालों को धो लेना। फिर उसके बाद आप ड्रायर हो तो ड्रायर चला सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल ही हवा में सुखा लें अपने बालों को। तो फिर उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मैं वॉश करने के बाद आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। 30 मिनट हो गए हैं और ये मेरा फाइनल कलर है, पूरा कवर हो गया है अच्छे से। थोड़ा सा डार्क कलर आ गया है क्योंकि मेरा बाल थोड़ा सा गोल्डन टच में है, तो कलर थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। तो आप भी ट्राई कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।